प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में उद्बोधन के दौरान ढाई ढाई साल का जिक्र किया था, जिसको लेकर उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जवाब देते हुए कहा, मैंने तो पहले ही खुले मन से सबके साथ यह बात साझा की थी। व्यक्तिगत वैचारिक मत मेरे अंतर में है तो मैं भाजपा में नहीं जा सकूंगा, और अगर कहीं विकल्प की बात है तो मैं रिटायर होकर घर बैठना पसंद करूंगा। देखिए, मैंने तो पहले से ही खुले मन से सबके साथ ये बात साझा की थी कि व्यक्तिगत वैचारिक मत के मेरे अंतर हैं तो मैं भाजपा में नहीं जा सकूंगा, अगर कभी विकल्प की बात भी है, और मैंने ये भी कहा था कि ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं रिटायर होकर घर बैठना पसंद करूंगा। वो अभी बहुत सारे विकल्प हैं।